बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर, दर्शकों को भी प्रणाम। क्या लग रहा है आपको? पहले तो जरा रांची की खबर ले लें, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के पास आते हैं। रांची में क्या लग रहा है? ये तो लगातार ऐसे कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, सत्ता आपके हाथ में है, झारखंड की पुलिस भी आपके हाथ में है। अगर आप झूठी सच्ची किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहेंगे तो वो करेगी भी पुलिस, लेकिन ये चीजें अदालत में कहाँ ठहरने वाली हैं कि ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल एजेंसीज अगर कानूनन प्रक्रिया के तहत किसी के यहाँ कार्रवाई करने जा रही हैं तो आप उन पर एफआईआर दर्ज करा देंगे? बिल्कुल सर, मैं भौचक हूं। अभी जानकारी मिली कि SC ST एक्ट के तहत ईडी के कई अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। मतलब जांच करने जब वो पहुंची उससे पहले एफआईआर दर्ज करा दिया गया। ये सबसे बड़ा मजाक तो इस एक्ट का ही है जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गया हुआ था। अल्टीमेटली वोट बैंक के कारण और एक घटिया पॉलिटिक्स के कारण उस गलत कानून को एक तरह से संरक्षण मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो काम हेमंत सोरेन ने किया है या जिस भी वकील ने हेमंत सोरेन को ऐसी घटिया सलाह दी है उसने इस कानून का मजाक उड़वा दिया है। और संभावना इस बात की है कि अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाए कि आखिर क्या जांच एजेंसी के अधिकारी इस तरह से डरे रहेंगे। जब डॉक्टरों के संरक्षण में इतने सारे कानून हैं तो हमारे जांच अधिकारी ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के अधिकारी यदि इस खौफ में रहेंगे, जो खौफ ममता बनर्जी के गुंडों ने बंगाल में दिखाया, जो खौफ लालू यादव के अनपढ़ नौवीं फेल बेटे ने डिप्टी सीएम ने सीबीआई के अधिकारियों से कहा था कि ये बिहार है, सीबीआई के अधिकारी तुम जान लो कि तुम्हारे भी बीबी बच्चे हैं, ये सीधे चुनौती है। सीबीआई ईडी के अधिकारी भी तो सर हमारे और आपके बीच के होते हैं ना, हमारी समाज से आते हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे चाचा दादा होते हैं, मतलब जो उस विभाग में काम कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर ये खौफ, और बिहार जैसे स्टेट में जब सत्ता में बैठी सरकार यदि सीधे अधिकारी को कहे कि तुम्हारे बीवी, मतलब ठीक है तुम सीबीआई अधिकारी तो हो, तेजस्वी यादव ने अपील नहीं कर, तुम्हारी बीवी बच्चे भी है, मतलब स्कूल से उठवा लेंगे, ये धमकी सरकार में रहते हुए तेजस्वी यादव ने दी थी। तो कोर्ट ने दिल्ली में उसे फटकार लगाई कि आइंदा यदि ऐसी हरकत करोगे तो कार्रवाई होगी। तो तेजस्वी उसके बाद कुछ सुधरे थे थोड़ा बहुत, लेकिन बंगाल में देखिए तो हाईकोर्ट को कहना पड़ा, जब ईडी के अधिकारियों की पिटाई कर दी गई तो हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि सीआरपीएफ के जवान गोली जो है वो शोभा बढ़ाने के लिए रखे हुए हैं क्या, जब ऐसी गुंडागर्दी हुई तो चलाई क्यों नहीं। तो यहां हेमंत सोरेन के पार्टी के गुंडों ने वैसी हरकतें तो नहीं की क्योंकि सीआरपीएफ का पूरा 144 धारा लागू है, लेकिन दूसरा स्टैंड ले लिया गया डराने का जांच एजेंसियों को। इस देश में यह धंधा चल रहा है। लेकिन जहां से आपने बात शुरुआत की, हेमंत सोरेन का यह 10वां वारंट था हेमंत सोरेन पर, सोचिए मजाक किस कदर उड़ाया जा रहा है इस देश में। मतलब 8 वारंट पे तो हेमंत सोरेन पेश ही नहीं हुए, तो 9वीं वारंट में ईडी को स्टैंड लेना पड़ा और ईडी ने कहा तू डाल डाल मैं पात पात। दरअसल हमने कई बार अपने शो में व्यूअर्स को इस बात को बताने की कोशिश की कि ये पूरा खेल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे विद्वान न्यायाधीशों को भी इस पर समीक्षा करनी चाहिए कि क्या कोर्ट फिक्सरों के दबाव में ऐसे ऐसे आदेश आएंगे क्या, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईडी के वारंट पर यदि कोई पेश नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर वारंट के क्या मायने रह जाएंगे। आम आदमी की तो पसीने छूट जाते हैं ईडी और सीबीआई के नाम से ही, और ईडी और सीबीआई के पसीने छूट रहे हैं इस तरह के पूरे मामले को लेकर के कि लेकिन आप वारंट पर वारंट 8-8 वारंट पर पेश नहीं हुआ हुए शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन। तो फिर केजरी को भी लगा अरे 8 वारंट पर वो पेश नहीं हुआ तो हमारे लिए तो दूसरा वारंट है, हम भी पेश नहीं होंगे, पहला वारंट है। केजरीवाल के पास आज 5वां वारंट पहुंच गया। 4 वारंट, पहले वारंट में वो चुनाव का बहाना बनाए, दूसरे वारंट में विपक्षियाना चले गए, तीसरे वारंट में उन्होंने कहा कि हम नहीं पेश होंगे। जी कौन सा कानून है भाई, किसके तहत हमें बताओ कि क्या क्या पूछोगे। मतलब अपने आप को डिक्टेटर, अपने आप को केजरीवाल पता नहीं क्या समझते हैं। वो तो दिल्ली में कह चुके हम दिल्ली विधानसभा में हम दिल्ली के राजा हैं हम। लेकिन लेकिन सर जब ईडी ने हेमंत सोरेन से कहा बेटा ये बताओ तुम्हें असुविधा हो रही है ना मेरे पास आने में, हम कहां आ जाएं, ये डेट है
इस देश से इस देश तक जगह समय तुम बताओगे एक फिल्मी स्टाइल में। तब बताना पड़ा और जब 7.5-8 घंटे पूछताछ हुई हेमंत सोरेन से, तो हेमंत को लग गया कि अब क्या कुछ होना है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से हेमंत सोरेन जी को जानता हूं, जर्नलिस्ट के रूप में बिहार झारखंड कवर करता था, तो मतलब व्यक्तिगत व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप जब पावर में आते हैं तो आपके इर्द गिर्द ऐसे चमचे चापलूस, ऐसे सलाहकार आपको घेर लेते हैं कि आप मतलब आप उनके हिसाब से काम करने लगते हैं, आपको संरक्षण देने लगते हैं, फिर आप गलती पर गलती कर जाते हैं जो हेमंत सोरेन ने किया। अब जैसे SC ST एक्ट समझिए, अब 10वां वारंट आया है तो स्वाभाविक है कि केजरीवाल को समझ में आ गया होगा कि ईडी अब हमसे पूछेगी, कहेगी तुम बताओ कहां आ जाएं, तो शीश महल में आएगी ईडी। शीश महल में जब ईडी आएगी तो ईडी के अधिकारी ये भी देखेंगे कि भैया क्या क्या हुआ है, अभी तक तो केजरीवाल अपने गुर्गों के अलावा किसी को वहां घुसने नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि झारखंड पे नजर रखने की जरूरत है सर, वहां से बहुत कुछ दिखाई देना है। ये बताइए कि होने क्या वाला है आज, क्या झारखंड के CM गिरफ्तार होंगे? क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक माहौल बनाया कि हमें गिरफ्तार किया जाएगा, हमें गिरफ्तार किया जाएगा, दिल्ली में एक फर्जी पाखंडपूर्ण एक सर्वे इन्होंने घर घर जा कर के करवाया कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो क्या वो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहें, यानी दिल्ली की सेवा करते रहें? पाखंडपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूर्व में भी इन्होंने ऐसे बहुत सारे फर्जी सर्वे के नाम पर लोगों को भ्रमित किया है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता तो ये चाहती है, और तमाम तरह की बातें मतलब ये फर्जी तरीके से उड़ाते रहे हैं और उसके बल पर खेल करते रहे हैं। अगर ये आशंका ना होती हेमंत सोरेन को कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो कागजों पर सब MLA के सिग्नेचर ना कराते। उन्होंने सबके सिग्नेचर कराए हैं अपनी पत्नी के लिए कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो वो मेरी जगह मुख्यमंत्री बनेंगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? और ये भी सूचना मिल रही है कि इनके ही खानदान के जो करीबी लोग हैं, जो MLA भी हैं, वो तो बगावत करने पर आमादा हैं, कि ये कैसे हो सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है शायद आप जानना ये कह रहे हैं कि इससे तुलना केजरीवाल की भी करना चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन का किस स्थिति और केजरीवाल की स्थिति में थोड़ा फर्क है सर। हेमंत के लिए अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बनाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, इसलिए कि हेमंत के परिवार में हेमंत को लेकर के ही बड़ी बगावत रही है। शिबू सोरेन ने वीटो लगा दिया तब जाके हेमंत बन पाए। उनके भाई एक दुर्गा सोरेन की बार संदिग्ध मौत है, बताया जाता है कि उसकी हत्या की गई, और दुर्गा ही सही मायने में नेता हुआ करता था। इस परिवार के अंदर ही बहुत सारा झोल चल रहा है, पारिवारिक विवाद है, और मुझे नहीं लगता कि परिवार में ही जब यदि हेमंत जेल जाएंगे तो उनकी बीवी कोई भी वो बना भी देते हैं तो वो टिक पाएंगी, रह पाएंगी, इसकी संभावना नहीं है। झारखंड में सरकार गिरने की मुझे 99.9% चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हेमंत यदि अपनी पत्नी को बनाना चाहेंगे, हेमंत के पास उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए, चोरी के पैसे को बस सेव करने के लिए हेमंत के पास अपनी पत्नी के अलावा कोई चारा नहीं है। हेमंत वही चाहेंगे जो लालू यादव ने किया, लेकिन यदि हेमंत ये करेंगे तो पार्टी टूट जाएगी, ऐसी बात है, क्योंकि घर में ही बगावत है और घर की बगावत ज्यादा प्रभावशाली है। केजरीवाल के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता। केजरीवाल सोनिया गांधी की तरह जिसको किसी मनमोहन सिंह को यदि सौंप देंगे, किसी राबड़ी देवी को, जिसके ऊपर केजरीवाल हाथ दे देंगे, केजरीवाल के, क्योंकि केजरीवाल के पास प्रचंड बहुमत है, और केजरी जैसा धूर्त शासक, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ केजरी के कारण सरकार है। झारखंड में हेमंत सोरेन मतलब सत्ता के केंद्र नहीं है, उनके पिता हो सकते हैं, झारखंड भी पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी नहीं है, केजरीवाल की प्रचंड बहुमत की सरकार है, पूर्ण नहीं, प्रचंड बहुमत। इसीलिए केजरीवाल को समस्या, केजरीवाल अपनी बीबी को बना दे, किसी रामलाल को बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल ने तो आज देखिए कि ईडी ने जो संजय सिंह के खिलाफ जो जो भी बात हाईकोर्ट में कही हो तो चौंकाने वाले हैं कि किस तरह से संजय सिंह क्या क्या करता था। तो संजय सिंह तो दिल्ली सरकार में मंत्री भी नहीं था, तो फिर सबसे बड़ा माफिया कैसे था संजय सिंह, ईडी ने साबित कर दिया। तो वो साबित करता है कि इसका मतलब केजरीवाल जिस किसी को चाहता था उस किसी को
पावर दे करके वो धंधा करवा रहा था। दोनों में थोड़ा फर्क है। झारखंड में मुझे लगता है सरकार बिहार की तरह गिर जाएगी, कि बच नहीं पाएगी सरकार, उनको अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन केजरी ये खेल कर लेंगे। अब वो कहते हैं कि हम जेल से भी चलाएंगे, क्योंकि उनके चेले चपाटे कह रहे हैं कि मैं दो नंबर, सौरभ भारद्वाज कह रहा है मैं दो नंबर जेल में रहूंगा और तीसरी तीन नंबर में रहेगी। केजरीवाल के लिए कौन सा, 6 और 7 तो बुक है, तो पता नहीं केजरीवाल किस में रहेगा। लेकिन कमाल की बात यह देखिए, जो आप जहां से आप शुरू कर रहे थे सर, कि ये आदमी कह रहा है कि हमें गिरफ्तार किया जाएगा। हर चोर को पता होता है, आपको अपने बारे में, हमें अपने बारे में पता होता है, बाहर आवरण कुछ भी ढके। संजय सिंह ने, सत्येंद्र जैन ने कहा था मुझे गिरफ्तार किया जाएगा पहले ही, उसके पहले सिसोदिया ने कहा था संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाएगा। सिसोदिया ने, सिसोदिया धरती का सबसे ईमानदार है, सबसे खवाया, गिरफ्तार किया जाएगा। इन लोग, ये बहुत बड़े भविष्यवक्ता भी हैं, इनको पता है कि हमने जो चोरी की है। अब केंद्र में जिसकी सत्ता है, जो कहता है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, और वो व्यक्ति जिसकी साख कम से कम ये है कि एक आदमी भी उसके उसके तो छोड़िए, उसके मंत्रिमंडल पे आप भ्रष्टाचार का आरोप, इतने खैराती घूम रहे हैं, सोनिया गांधी के खैरात पर पलने वाले जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट थे, जो आजकल खलियर खैराती बने हुए यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उन खैरातियों ने संपादक रहते हुए मोदी सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का केस वो नहीं पेश कर पाए। यदि आप इतना तो कर देते कि देश भर में जो कहा गया कि हर गांव में बिजली पहुंच गई है, इस देश के पत्रकारों को जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं, कम से कम उनकी इतनी जिम्मेदारी थी कि बता देते कि देश के फलाना गांव में बिजली नहीं पहुंची है। आप कुछ नहीं कर पाए। इस सरकार के साथ को बंटाधार करने के लिए आपने खैरात के उस धंधे को जिंदा रखने के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसे में ये चस्पा कर देना कि मोदी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चिपक नहीं पा रहा है। केजरीवाल को पता है कि उन्होंने पार्टी फंड के लिए, ये सब कुछ सर पार्टी फंड के लिए हुआ है। व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता केजरीवाल अपना अकाउंट भरा होगा, ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन पार्टी फंड के लिए, चोरी करने के लिए, माफियाओं को संरक्षण देने के लिए, वोट खरीदने के लिए, पंजाब में सब चीजें करने के लिए शराब माफिया पैदा किया गया था। और सबको पता है कि ये शराब माफिया पंजाब में पार्टी फंड के लिए, और पार्टी फंड के लिए कौन था, सिसोदिया नहीं था, इसके लिए संजय सिंह जैसे लोग, क्योंकि दिल्ली सरकार में तो था नहीं। तो पूरी चीजें फैक्ट सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट भी किया, भैया आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बना रहे हो तुम, अब तक तो पार्टी नहीं बनाया गया। मगर मुझे लग रहा है जिस दिन इसके ऊपर एफआईआर, इसकी गिरफ्तारी होगी केजरीवाल की, उस दिन पार्टी पर एफआईआर, मतलब पार्टी, अब तो एफआईआर तो एक ही होगी, एफआईआर तो 4 सीट अलग अलग सप्लीमेंट्री होती है, उसमें केजरीवाल का नाम आएगा आम आदमी पार्टी के साथ, और फिर देश देखेगा पूरा देश कि भ्रष्टाचार का के खिलाफ मुहिम से, एक आंदोलन से निकल करके एक व्यक्ति देश के साथ कैसा दोहन किया। दर्द होता है कि हम लोग उस दौर में जब पत्रकारिता कर रहे थे, उस रामलीला मैदान से भावुकता से कैसा लग रहा था कि एक व्यक्ति आया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी प्रभावित था उस व्यक्ति से, कि चलो चूंकि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त मुहिम थी, लेकिन इस व्यक्ति ने विश्वास की हत्या की है। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति लालू यादव और हेमंत सोरेन इसके सामने में बौने हैं, ये व्यक्ति बड़ा अपराधी है और इसको कठोरतम सजा होनी चाहिए। जितना ये ढोंग कर रहा है, मतलब सोचिए कि इसके वीडियोस घूम रहे हैं कि कह रहा कि नरेंद्र मोदी तुम सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, ईडी और सीबीआई क्यों रखे हुए हो। आज देखिए कि आदमी क्या मजाक उड़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार, चूंकि मैं हमेशा कहता हूं कि ये नहीं कि ईडी और सीबीआई, निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में सरकार की ताकत होती है, और इसीलिए सरकार ये भरोसा देती है कि हम किसी भी बेईमान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये कहना कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है, भूमिका पूरी होती है। और जिस सरकार ने इस देश से वायदा किया है कि हम एक भी बेईमान भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, उस सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे बेईमान चोरों को ना सिर्फ अंदर किया जाए, क्योंकि तो अंदर करने से सर कुछ फायदा होता नहीं है। मुझे लगता है कि सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव छुट्टा घूम रहा है सिब्बल के बल पे, तो जेल से कुछ हो, एक एक पैसे छीन करके, इनके आंत से एक एक पैसे निकाल करके सड़क पे लाना चाहिए। इस देश को बस इस बात का इंतजार है, और इसीलिए मुझे लगता है कि देश बार बार मोदी को चुनता है। मनीष जी, ये बताइए कि 3 केस इस समय हमारे सामने हैं, एक लालू परिवार का, वो भी भ्रष्टाचार का मामला है। जब रेल मंत्री थे 2004 और 2009 के बीच में, तब जमीन लिखवा करके इन्होंने नौकरी दी, बेहद संगीन मामला है, पूरा कुनबा इनका इसमें फंसा हुआ है, कोई बचा नहीं है।
दूसरा केस ये झारखंड वाला है, मिलिट्री की 4.5 एकड़ जमीन धोखाधड़ी से फर्जी तरीके से बेच दी गई एक बिल्डर के द्वारा, ये सब कर्मकांड किया गया और जो मार्केट रेट था उसके मुकाबले तो बहुत ही निचली कीमत पर ये बेची गई और बड़ा खेल किया गया। तीसरा केस अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले का केस है, इनके तीन तीन सहयोगी जेल में पड़े हुए हैं, विजय नायर, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, और बेशर्मी का आलम यह है तीनों जगह के वो कह रहे हैं कि राजनीतिक बदले की भावना से हमारे खिलाफ ये जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में मुझे ये बताइए कि इस देश के मीडिया का कर्तव्य क्या है, क्या वो लोगों को ये ना बताए, मतलब ये क्यों नहीं बता रहा है लोगों को रिपीटेडली कि ये मामले हैं क्या एक्चुअल में, ये कोई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई नहीं है, ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार के केस हैं और बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के केस हैं। लालू यादव ने तो रेल मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार किया, जमीनें लिखवा ली लोगों की और तब नौकरी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री का तो अवैध खनन का मामला भी है, मिलिट्री की जमीन को गलत तरीके से बेचने का और भ्रष्टाचार करने का मामला भी है, और अभी दिल्ली कोठी पर छापा पड़ा तो 36 लाख बरामद हुए, एक बीएमडब्ल्यू, एक दूसरी गाड़ी बरामद, दो दो जी दो जी बीएमडब्ल्यू, तो दो दो बीएमडब्ल्यू और दस्तावेज बरामद हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे भ्रष्टाचार के बारे में सुप्रीम कोर्ट तो बता रहा है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन मीडिया चुप है। बिल्कुल, देखिए उस मीडिया से सर आप क्या अपेक्षा करेंगे। शेखर गुप्ता इंडियन एक्सप्रेस का संपादक रहा, पत्रकार के मतलब 3-4 थे इस देश में, शेखर गुप्ता, प्रणय जेम्स राय, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, ये सब 4-5 पत्रकार थे। आज के डेट में कुछ कुकुरमुत्ते तो ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं जो यूट्यूब पर खलियर खैराती हो चुके हुए हैं, लेकिन ये शेखर गुप्ता क्या नैरेटिव बढ़ा लालू यादव के लिए, पिछड़ा है इसीलिए सजा होगी। ये सब क्या कहते हैं कि पत्रकारिता सत्ता के खिलाफ होनी चाहिए। इनका रिकॉर्ड इतना खराब है कि जब सत्ता के खिलाफ इन्हें पत्रकारिता करना था तो सोनिया गांधी से इंटरव्यू शेखर गुप्ता को भी मिला 2012-13 में, राजदीप सरदेसाई को भी मिला, एक ही जगह से दोनों ने इंटरव्यू किया। उस पूरे इंटरव्यू को यदि आप देखेंगे, मैंने पूरी व्याख्या अपनी किताब में भी की है उसकी, उस इंटरव्यू में आधे घंटे या 1 घंटे के जो लगभग 45-50 मिनट का इंटरव्यू है, एक बार भी उस समय जो भ्रष्टाचार का मामला इतना बड़ा था, सोनिया से कोई सवाल नहीं किया। यही सवाल, आप साड़ी पहनना कैसे सीखी, आप दाल बनाना आता है कि नहीं, आपको क्या क्या बनाना आता है, इंदिरा जी से आपने क्या सीखी, हिंदी कैसे सीखी, पास्ता आपने बनाना कैसे उनको सिखाया, एकदम से बेहुदापूर्ण सवाल जो एक पत्रकार को करना चाहिए उस दौर में, कोई सवाल। आज ये नैरेटिव गढ़ते हैं कि मोदी से ऐसे सवाल किया थे, मोदी इंटरव्यू नहीं देते, तुम्हें जब इंटरव्यू देने मौका मिला तो क्या किया। सत्ता के खिलाफ पत्रकारिता करते हैं तो झारखंड में भी सत्ता है, बिहार में भी सत्ता है, दिल्ली में भी सत्ता है, इन सबको केजरीवाल ने तो मुंह बंद कर दिया हुआ, केजरीवाल के खिलाफ तो लिखने की औकात, क्योंकि मालिकों को इतना ऐड मुंह में ठूस दिया हुआ कि आप देखिए कि एक भी पैकेजिंग शराब घोटाले पे मुझे कभी नहीं मिली कि शराब घोटाले का सच मीडिया समझाए। बेसिक खबर देता है कि संजय सिंह गिरफ्तार हो गया, वो तो आपको देना पड़ेगा, सिसोदिया गिरफ्तार, ये देता है, लेकिन शराब घोटाला क्या है मुझे नहीं लगता किसी टेलीविजन चैनल ने विस्तार से इसको बताया हो। वेबसाइटों पे छपते हैं, किसी टेलीविजन चैनल ने आज तक देश की जनता को नहीं बताया कि शराब घोटाला ही है क्या। आपने क्यों, क्योंकि आपके लाला को तो इतना पैसा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि तुम रैपिड रेल के लिए पैसा नहीं दे रहे हो और इतना ऐड दे रहे हो, तो केजरी ने दिल्ली का ऐड बंद कर दिया, घुमा के पंजाब से टीवी चैनलों को ऐड देना शुरू किया, तो आप किस मीडिया से अपेक्षा क्या करेंगे। और जो यूट्यूब पे बड़े बड़े हो चुके हैं ये टिकैत के माल खा खा करके, ये सनसनीबाजों का, गुंडों का गैंग, ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं बड़े बड़े पत्रकारों को अपने यूट्यूब चैनल पे बुला बुला करके, ये शैतानी का खेल हो रहा है। इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि सत्ता, पत्रकारिता का काम है जो हो रहा है वो दिखाना, सत्ता के खिलाफ ये सरकार बेहतर काम कर रही है तो क्या उसके खिलाफ अब पीछे पड़े रहेंगे, मतलब ये क्या कौन सा नैरेटिव है कि सत्ता के खिलाफ, तो तुमने पीछा भी, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं, तुमने सत्ता के खिलाफ कुछ किया है। और वर्तमान समय में
आप ये बताइए ना, सत्ता के खिलाफ आपकी पत्रकारिता है तो मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार तो निकालो, क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? क्यों नहीं देश की जनता को बता रहे हो कि फलाना मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ? लेकिन देखिए कि इन, अब यदि सत्ता के खिलाफ ही है तो झारखंड में सत्ता के खिलाफ क्यों नहीं होती रिपोर्टिंग, बिहार में क्यों नहीं होती, दिल्ली में क्यों नहीं होती? तो इसका मतलब यह है कि ये बेवकूफ समझते हैं इस देश की जनता को। और देखिए कमाल की बात, इन सब यूट्यूबर्स को यदि आप देखेंगे, उनके थंबनेल, उनको देखने की जरूरत नहीं है, उनके थंबनेल्स देखिए कैसा नैरेटिव बनाते हैं। ये दो चार चिरकुट को ले आते हैं और कहते हैं कि ये ईवीएम खराब है, वो सनसनीवाज है, एक राजीव शुक्ला का चेला, उसने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को बुला लिया, उसने पूरी खोल करके कह दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता हमारा ईवीएम इतना, जबकि वो कांग्रेस कोटे के आईएएस ऑफिसर थे जिनको उस समय दुनिया जानती है कि कौन है और सोनिया दर की कैसे दरबारी। उसने साफ कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ कतई नहीं हो सकता, ये नैरेटिव गढ़ने आए थे। इससे जब नहीं हुआ तो दो चार सो कॉल्ड वकील को ले आए जंतर मंतर पर, ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, कुछ वकील, कुछ किसानों के माध्यम से ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि इस देश में ईवीएम ही खराब है। जब तक ईवीएम ठीक, मतलब ईवीएम कर्नाटक में ठीक हो जा रही है, तुम्हारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो ठीक थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 2018 में बन गई सरकार तो ठीक थी, हिमाचल प्रदेश में सरकार बन गई तो ठीक है। मतलब ऐसा नैरेटिव, ये अपने आकाओं को सच नहीं बताते। यदि तुम वफादार कुत्ते भी हो तो उसका फर्क, सर आप कुत्ता पालते हैं तो आपके प्रति वफादार होता है वो, आपके दरवाजे पे कोई आया तो थोड़ा हल्ला किया, थोड़ा माहौल बनाया। ये ऐसे वफादार कुत्ते हैं कि जो अपने आका को ही दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे सलाहकार मैं सबके लिए कहता हूं, ये सब मैं चूंकि बहुत नजदीक से झारखंड की सरकार को, झारखंड की सरकार को बार बार वहां के पत्रकारों ने बर्बाद किया है, चाहे वो कुछ दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, चीफ मिनिस्टर हो, हेमंत सोरेन को भी सलाहकार पत्रकार हैं जो उनको मूर्ख बना रहे हैं, या तो कुछ वकील हैं, वरना कोई आदमी दस, आप समन का जितना आप विरोध वारंट नहीं आएंगे, क्या क्या गलती करते जाएंगे? तो ये अपने आकाओं को ढंग का सलाह भी नहीं दे पाते। ये सब झारखंड में तो विशेष रूप से है सर, कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि वहां की सरकारें पत्रकार चलाते रहे हैं, व्यक्तिगत रूप बहुत नजदीक से मैं जानता हूं, बिहार में उतना नहीं है। बिहार में लालू यादव चूंकि घाघ नेता है तो वहां किसी की चलती वलती नहीं, चापलूसी कर सकते हैं, आपको 2 BHK मिल सकता है, जो मुलायम सिंह यादव करते थे 2 BHK मिल जाता था, लेकिन वो पत्रकार नहीं चलाते थे झारखंड के, बिहार की सरकार को लालू यादव, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते लालू और मुलायम को, लेकिन झारखंड में ये चलता रहा है। और जो आप कह रहे थे पत्रकार, तो ये ऐसे सेवादार हैं जो माल पाने के लिए मूर्ख बनाते हैं, जिसके प्रति वफादार हैं, जिसका अन्न खाते हैं, उनके साथ भी धोखा देते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करो, वंशवाद को पोषित करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, भ्रष्टाचार करते रहो। और जब केंद्र की एजेंसियां आपकी गर्दन पकड़े तो इसे लोकतंत्र की हत्या बता दो, और राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई बता दो। ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल सर, देखिए ये सब मान लीजिए सरकार आपको गिरफ्तार कर लेती है, पूरा केस तो अदालत में चलता है ना, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था भी है ना। अब मैं बार बार अपने चैनल पे भी कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आप जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं उसको झाड़ पे आप चढ़ाते हैं, हाँ चंद्रचूड़ साहब जैसे, जब तक चंद्रचूड़ है कुछ नहीं, लेकिन एक आदेश जैसे चंद्रचूड़ का यदि आपके खिलाफ आ जाता है तो आप उनका चरित्र हनन करने लगते हैं। सिर्फ वर्तमान सीजीआई का ही नहीं, मोदी काल में जितने सीजीआई बने हैं सबका चरित्र हनन हुआ है, लेकिन इतिहास में इससे पहले आपने चीफ जस्टिसों का चरित्र हनन नहीं देखा होगा। अब मानना होता है हमारे मुख्य न्यायाधीशों का, और लगातार होता है। और कमाल की बात यह है कि चूंकि मैं तो बार बार कहता हूं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग सालों की है, ये मैक्सिमम जज जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस से रहा है, जिनके पिता भाई नेता रहे, और इसमें कोई बुराई नहीं है, होता है किसी का भी, मेरा भाई यदि नेता होगा इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पर पत्रकारिता भी सवाल हो जाए, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि दूसरे पर तो उठाते हैं। रवीश कुमार का भाई बलात्कारी गैंग रेप का आरोपी था, कांग्रेस में उपाध्यक्ष था, टिकट रवीश के माध्यम से मिलता था, दूसरे पर सवाल करते हैं ये लोग, गुजरात के मामले को उठाते हैं बिल्किस बानो को, लेकिन अपने भाई के गैंग रेप पर नहीं उठाया कि तुम्हारे भाई को कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े साथ साथ वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और क्या क्या खेल हुआ, ये तुम नहीं बताते हो। ये नैरेटिव घटना है, नैरेटिव ये घटना है कि मोदी के खिलाफ कोई बोलेगा तो सजा हो जाएगी। अरे मोदी के खिलाफ FIR ही तो होगी ना, यदि मान लीजिए कि दुश्मनी है किसी, तो FIR ही होगी, उसके बाद लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है,
केडरी के किसी भी गुर्गे को सुप्रीम कोर्ट तक से सर जमानत नहीं मिली। सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका तक खारिज हो गई है। और ये लोग आरोप, ये लोग सीधे ये नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रहे, भारत की सुप्रीम न्यायिक संस्था का अपमान करते हैं। इनको लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द हिंदू मुस्लिम हो जाए उसमें फेल हो जा रहे हैं। इस राममय वातावरण में जो ये भारत में हिंदुओं को जो जाति में तोड़ने की जो साजिश थी उसमें बहुत हद तक फेल रहे हैं, अब बहुत ज्यादा फेल रहे हैं। कुछ हद तक बिहार में सफल हैं कि बिहार की एक प्रभावशाली जाति को ये गुमराह कर रहे हैं, उनको MY समीकरण बना करके। इसीलिए लालू यादव इतने दिन मौज लिए कि कुछ और जातियों को, यह बहुत ये खेल नहीं कर पा रहे जो तुष्टिकरण का करे, तुष्टिकरण अब अतीत की बातें हो गई। कांग्रेस जैसी पार्टी ही उतनी बेवकूफ है, केजरीवाल उतना बेवकूफ नहीं है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि सर केजरीवाल भारत का सबसे धूर्त नेता है, वो इनकी तरह बेवकूफ नहीं है, वो चीजों को समझता है। देखिए वो राम मंदिर भी, वो सबसे भी उसकी नानी कहती थी कि राम मंदिर नहीं जाना है, मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसकी नानी तब कहती थी और तब भी उसकी कहानी ही सुनाता था, नानी जिंदा नहीं थी आज से 5 साल पहले भी केजरीवाल की। लेकिन आज वही केजरीवाल क्या कर रहा है, राम मंदिर जाएंगे, राम हमें निमंत्रण नहीं मिला तो क्या हुआ हम जाए। वो कांग्रेस की तरफ मूर्ख नहीं है, वो हवा का रुख देख चुका है। केजरीवाल को पता है कि दिल्ली में जो जनता बीजेपी को जितवाती है वही दिल्ली में हमें जितवाती है विधानसभा में। किस लिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास दिल्ली में नकारे नेता है, अयोग्य, किसी लायक नहीं है। तो केजरी जानता है कि यहां पर तुष्टिकरण का हम यदि खेल करेंगे तो हम हार जाएंगे। इसीलिए कभी उसकी नानी पहले कहती थी, अब उसकी नानी नहीं कहती है, वो नानी बदल गई है, उसकी कहानी भी बदल गई है। पहले तो लग रहा था कि लोकसभा चुनाव हो जाने देगी एजेंसियां ताकि ये किसी तरह का राजनीतिक प्रोपेगेंडा ना करें, लेकिन इधर जो सख्ती दिखाई दे रही है, जो आक्रामकता एजेंसियों की तरफ से भी दिखाई दे रही है, क्योंकि 8, 9, 10 समन का एक तरीके से तिरस्कार, उपेक्षा और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करा देना, इधर दिल्ली में भी ये 5वां समन अब जारी हुआ है अरविंद केजरीवाल को, ऐसा लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव की परवाह अब नहीं करेगी एजेंसी, अगर उनको लगा तो वो गिरफ्तार करेगी इनको। बिल्कुल सर, ये सब चीजें तब देखी जाती है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को इतना भरोसा है कि मेरे ऊपर बहुत लोगों को भरोसा है, और ऐसा नैरेटिव इस बात को कि चुनाव के कारण हम ऐसा नहीं करेंगे, चुनाव हो जाएगा तब करेंगे, जांच की प्रक्रिया कहां जाएगी पता नहीं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को हाल के दिनों में लगता गया है, और जो वो अपने उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, आज भी जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, या फिर पिछले सत्र में जो उन्होंने कहा मैसेज दिया कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी अब पार्लियामेंट में, तो देखिए प्रधानमंत्री ने कहा पिछले सत्र में कहा था ना प्रधानमंत्री ने कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सदन चलने देना होगा। आपका पिछला सत्र नहीं चलता था, लेकिन बीता वाला सत्र क्या हुआ, उनको उठा उठा के फेंक दिया गया, 146 सांसदों को निलंबित करके सदन चलाया गया, बिल पास कराया गया। आज उन्होंने कह दिया है पहली बार हमारे यहाँ राम राम, आपके यहाँ तो सर ज्यादा प्रचलन है पश्चिमी यूपी में और उधर राम राम का चलन है। आज प्रधानमंत्री ने संसद में, मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार पत्रकारों को जब नमस्कार के बदले उन्होंने राम राम किया और समापन भी राम राम से, तो एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दे दिया है, उन्हें पता चल गया है कि जीतना ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है, शौचालय सबका बन रहा है, उनके घर भी पहुंच रहे हैं, सड़कें पहुंच रही हैं, जिनको सड़कों से मतलब नहीं है, शौचालय से मतलब नहीं है, इन किसी चीज से मतलब नहीं है। जो नरसिंह राव कहते थे कि गटर में रहने वालों के लिए चिंता क्यों करते हो, प्रधानमंत्री मोदी ने गटर में रहने वालों के लिए भी चिंता की है, या जानते हुए भी गटर से निकल करके भी हमारे ऊपर ये गंदगी फैलाएंगे, लेकिन उन्हें पता है कि इस देश की बहुसंख्यक जनता को ये लग गया है कि भारत का सम्मान दुनिया में कितना बढ़ा है, देश कहां से कहां चला गया है। ये गुमराह करने वालों से प्रभावित नहीं होते, हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो उनके नैरेटिव्स को काट रहे हैं, उनकी धूर्तता को, उनकी बेईमानी को बेपर्द कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में चीजें बिल्कुल साफ हो जा रही है और देश के आम आदमी को ये पता चल रहा है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में जब प्रधानमंत्री को इतना भरोसा है सर कि हमारे साथ हमारी जनता हमारी हमें चुन करके आएगी, मुझे लगता है इसलिए किसी को गिरफ्तारी नहीं होगी कि चुनाव का
इसका मतलब ये कि भाई आप उनको गलत तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, क्रम बस होगा। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि हेमंत सोरेन पहले गिरफ्तार होंगे और चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इधर जो घटनाक्रम चल रहा है और जो एजेंसियों ने तत्परता दिखानी शुरू की है, इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब गिने चुने दिन हैं हेमंत सोरेन के भी और अरविंद केजरीवाल के भी। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।